हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी निकलने के लिए रेडी हुई और फिर से बारिश आने लगा। मैं परेशान हो गई हूँ इस बारिश से। जी घबरा गया है एकदम से मेरा। तो गाइस, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं निकल रही हूँ अपने पार्लर के लिए। आफ्टर 4 डेज एकदम से पागल जैसी हो गई हूँ और 4 दिन से पार्लर नहीं गई हूँ, तो आज पार्लर की बहुत याद आ रही है और जल्दी से पहुँचती हूँ पार्लर पे और देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक और बात बतानी थी आपको, ये जो वीडियोस बनाते हैं ना हम, तो सिर्फ अपना अच्छा अच्छा पार्ट्स दिखाते हैं। हम खुश हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वैसा पार्ट्स दिखाते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ रहता नहीं है। मेरा इतना जी घबरा गया है, इतना जी घबरा गया, मुझे ऐसे लगता है मैं दौड़ दौड़ के सबके पास पहुंच जाऊं। मुझे ना, मतलब मेरे ऊपर डिप्रेशन हावी होता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए मैं धूम पछाड़ा कर रही हूँ, धूम पछाड़ा कर रही हूँ, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो चलिए निकलते हैं पार्लर के लिए। रिलायंस में आ गई हूँ, इतना सामान ले लिया है मैंने। मुझे शुगर नहीं मिल रहा है, देखती हूँ शुगर कहाँ पे मिलता है। आ गई हूँ जैसे तैसे घर पे। बाप रे, इतना डर लग रहा था कि ना पूछो बात। सुबह तो बहुत जैसे जैसे गई थी, पूरा दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं, यहाँ से निकली। अब शाम को घर पे आई हूँ और वहां पे पूरा अच्छे से मैंने नीट क्लीन कर दिया पार्लर को 4 दिन के बाद। और इतना अच्छा लगा ना मुझे पार्लर पे पहुंच के, एकदम सुकून की सांस आई। और अभी मैंने ना मूंग की दाल रखी है सब्जी बनाने के लिए, बंद करके आती हूँ दौड़ दौड़ के। ओके, तो कुकर की 3 सीटी हो गई है और दाल चुड़ गई होगी, होप सो, फिंगर क्रॉस। और बाजरी के आटे का रोटला बनाऊंगी। आलू मैंने लिए सुबह रिलायंस से, इतना मेरा फेवरेट आलू रहता तो मैं जरूर आके आलू की सब्जी बनाती, पर आलू मैं वहीं छोड़ के आ गई क्योंकि वजन उतना नहीं ला सकती थी मैं। मुझे डर लग रहा था कि शायद रास्ते में खूब पानी होगा, पानी था लेकिन थोड़ा ही था। तो निकल आई घर पे और खाना बना रही हूँ अच्छे से गर्मा गर्म, क्योंकि बहुत जी ऐसे लख लख हो गया है एकदम बारिश की वजह से। थक गई हूँ नहीं, बाहर आके मैंने बहुत सारा चिखल चिखल हुआ था तो थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाला और साफ किया है। अब चलेंगे नहाने को और चेंज करेंगे और फिर खाना खाएंगे। कपड़े ना मैं लेके गई थी पार्लर पे, ऑलरेडी एक जोड़ी कपड़ा मेरा ऑलरेडी वहां पे है पार्लर पे, और एक एक्स्ट्रा भी लेके गई थी कि अगर मुझे रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊंगी। और आखिर तक, मतलब गले तक मुझे ऐसा था कि मैं रुक जाती हूँ, फिर बोला नहीं घर जाती हूँ, अच्छे से कुछ बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ। तो देख लीजिए भाई, मेरी आज की लंच की थाली, तो उसमें है ऑनियन, रोटला बाजरी का, पापड़, ये मूंग की दाल की सब्जी, ऊपर से मैंने डाली है मिर्ची और अचार। तो ये है मेरा कुछ, अरे यार ये लंच की थाली नहीं है, डिनर की थाली है, सॉरी 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 सॉरी, है मेरा डिनर है। तो चलिए मैं बैठ गई हूँ डिनर करने के लिए। और गंदी सी नाइटी पहनी है क्योंकि कपड़े सूखे नहीं है, तो ये चुनी पुरानी नाइटी पहनी है इसलिए मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। और देखिए मेरा खाना धुआं उठ रहा है गरम गरम, आ जाइए आप लोग भी, चलिए खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात से जो किया वो किया, अब सुबह हो गई दूसरे दिन की और बारिश इतनी धूम मचा रही है कि न पूछो बात। और बस निकलने के लिए रेडी हुई थी लेकिन फिर बारिश आने लगी और आजकल रातों की नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पता तो है मुझे क्योंकि मैं ऐसी हूं ना, आ बैल मुझे मार करे, सब किया करना भी पड़ता है, ना करे तो कैसे चलेगा।
तो वही सब हो रहा है। और रेडी तो हो गई हूँ, बारिश रुके तो निकल चलती हूँ क्योंकि बहुत पानी भरा हुआ। जैसे तैसे रात को घर पे आ गई और फिर से जाने की गड़बड़ चल रही है। ये है ना, आज फिर से थोड़ा सा सूजन आ गया है हड्डी पे। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, ये आंख तो छोटी हो गई है। तो खाने में रात को जो मूंग की दाल बनाई थी वो ले ली है, अचार ले लिया है, थोड़ा सा रोटला ले लिया है, साथ में खारी बिस्किट थी तो वो पड़ी थी तो वो ले ली है। पार्लर पे जाके मैं बना लूंगी चाय और चाय के साथ खारी बिस्किट खा लूंगी और ये थोड़ा सा खाना भी खा लूंगी तो टाइम निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पार्लर पे। सब कुछ इस तरह से है और एक बड़ा सा सपना था वो पूरा करने गई मैं, और पता नहीं नींद में से जब जागी तो खाई में गिर गई, ऐसा सब हो रहा है। तो क्या बताऊं, 9:15 बजे हैं, निकलने के लिए रेडी हुई और इतनी तेज बारिश आ रही है ना कि ना पूछो बात। पूरा अंधेरा घिरा तो था ही पर मुझे लगा कि रुक जाएगी, और सुबह से तो रुकी हुई थी, सुबह मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, कितना जल्दी करूँ, होता तो है नहीं। अब थोड़ी सी रुकी थी, फिर से इतना अंधेरा घिर गया है, फिर से इतना पानी आने लगा है। देखती हूँ जाऊँगी तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, अब क्या करूँ। खूब ही तूफान बारिश हो रही है तो मुझे जाना कैंसिल करना पड़ेगा, बहुत पानी भर गया है। अच्छा हुआ घर पे हूँ, नहीं तो वहीं फंस जाती थी। मैंने ना ये ब्लीचिंग पाउडर डाल के इतना साफ किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, फिर से चिखल चिखल हो रहा है। तो चलिए घर पे ही आराम करेंगे, अब क्या करें, इतने बारिश में तो मैं जा नहीं पाऊंगी। रात को मम्मी के यहाँ रुक जाती तो अच्छा रहता था, ताकि मैं मम्मी के यहाँ मम्मी से बातें कर सकती थी, उन लोग के साथ रह सकती थी। क्योंकि अब अगर मन अच्छा हो ना तो ये सब देखने को भी बहुत अच्छा लगता है, पर मन अच्छा नहीं हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए मेरा क्रिसमस ट्री पूरा बैंड हो गया, मुझे डर लग रहा है इसका बहुत ज़्यादा। अरबी के पत्ते की आमटी बनाऊंगी एक दिन, सिंगदाना लेके आऊंगी और उसकी आमटी बनाऊंगी। बहुत सारे हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, तो एक मस्त गुड़ इमली डाल के इसकी आमटी बहुत अच्छी लगती है। सारे केले के झाड़ पनप रहे हैं, अच्छे से बड़े हो रहे हैं। मुझे ना क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं भी चैन नहीं है। मुझे लगा बारिश रुक गई है पर बारिश कोई रुकी नहीं है, बारिश आए जा रही है। और रात को मैं भाग भाग के घर पे आई और वापस सुबह मुझे जाने को दिल कर रहा है, मतलब कहीं भी मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा है। सुबह इतना अच्छा था ना, सुबह बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और एकदम सूखा था, मुझे लगा वाह बारिश चली गई। ये बारिश ना 4 महीना बहुत परेशान करेगी, बहुत डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर हो रहा है, बहुत डिप्रेशन जैसा हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पता नहीं, पता तो है मुझे क्यों हो रहा है, पर अब क्या बोलूँ मैं आपको, क्या ही बोलूँ। आ गई हूँ भाग भाग के, दौड़ दौड़ के पार्लर पे, बारिश में भीगते और ऐसे। और अभी थोड़ा सा साफ सफाई करके बाहर खड़ी थी ना, लोगों के मुंह में ना कीड़े हैं सच्ची ना, बस आराम ये वो, अरे यार क्या है, भगवान करे उनका जैसा सोच है ना कि 24 घंटा 12 घंटा बिजनेस, मतलब मैं एकदम बिजी रहूं, वैसा हो जाए और सही पड़े। कि भाई मैं 12 घंटा एकदम बिजी रहूं, बिल्कुल भी बाहर खड़ी ना रहूं, ऐसा काम हो जाए। लोगों को ना बहुत जलस वृत्ति है, बहुत जलन है, पता नहीं क्या, मतलब दुनिया बहुत
दुनिया खराब है, बस दुनिया खराब है, मतलब खराब है। हम कितना भी लोगों से अच्छे से रहे, लेकिन लोगों ने भी तो अच्छा होना चाहिए। हम कितना अच्छा बनने जाए, लोगों ने भी तो अब हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। तो बस आज का वीडियो देखती हूँ कितना लंबा हुआ है, नहीं तो इसको यहीं पे एंड करूँगी और नया वीडियो स्टार्ट करूँगी। ओके, आप लोग भी प्रे करो कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत चलने लगे, मेरा पार्लर बहुत चलने लगे, मैं बार बार बहुत बिजी रहूँ, बस यही प्रे करो।